दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब से कुछ ही समय में भारत और इंग्लैंड के बीच में शुरू होने वाली है टेस्ट सीरीज, और इस पहले मुकाबले से एक दिन पहले भारतीय खिलाड़ी टेस्ट सीरीज के खिताब को जीतने के लिए इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में कौन है बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज होने वाली है। दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 4 अगस्त से नॉटिंघम के मैदान पर खेला जाएगा, और भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़े। और इस मुकाबले से एक दिन पहले भारतीय खिलाड़ी जमकर एक्टिविटी करते हुए नजर आए। चलिए बताते हैं आपको किस खिलाड़ी ने क्या किया, लेकिन सबसे पहले बताते हैं भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा इंग्लैंड में जमकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कई तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही रोहित शर्मा ने कैप्शन में लिखा, प्रोसेस एंजॉय करो, बाकी देख लेंगे। रोहित शर्मा के इस कैप्शन से ये तो साफ जाहिर होता है कि रोहित शर्मा प्रैक्टिस के साथ साथ एंजॉय करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी मैदान पर अभ्यास करते हुए नजर आ चुके हैं। उन्होंने भी एक तस्वीर हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की थी, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह अब इंग्लैंड के खिलाफ अपनी छाप छोड़ने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस बीच जमकर एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा और अक्षर पटेल के साथ एक तस्वीर को सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है, जिस पर थोड़ी ही देर में लाखों लाइक्स आ चुके हैं। इस तस्वीर को खासा पसंद किया जा रहा है। बता दें कि इसके साथ ही केएल राहुल ने भी हाल ही में एक वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें वो दौड़ लगाते हुए मैदान पर नजर आ रहे हैं। अपनी फिटनेस को पूरी तरह से बेहतर करने के लिए और मैदान पर परिश्रम करते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही बल्लेबाजी की प्रैक्टिस में उन्हें देखा जा चुका है। अभी हाल ही में मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती देने वाले चेतेश्वर पुजारा ने भी नेट पर जमकर अभ्यास किया। चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, गियरिंग अप फॉर द अपकमिंग सीरीज, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारतीय टीम अब इस सीरीज को जीतने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। दोस्तों, इसके साथ ही तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो ईशान शर्मा, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी तीनों ही गेंदबाज मैदान पर दौड़ लगाते हुए देखे गए। इसके अलावा मैदान पर स्ट्रेचिंग करते हुए भी तीनों खिलाड़ियों को देखा गया, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिससे साफ पता चलता है कि तेज गेंदबाजी पक्ष इंग्लिश टीम से मिलने के लिए अब पूरी तरह से अपनी कमर कस चुका है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय टीम की एक्टिविटी। वैसे इन एक्टिविटीज को देखकर आप सभी को क्या लगता है कि होने वाला पहला टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर इंग्लैंड, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।